तो आज हम 2024 में बॉलीवुड की तरफ से आने वाली 40 फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2024 में आने वाली है। रिलीज डेट के साथ बहुत ही कमाल कमाल की फिल्में आ रही है, तो चलिए देखते कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। नंबर वन पे द डिप्लोमेट। पठान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद जॉन अब्राहम की ये अगली फिल्म होगी। ये फिल्म एक हाई ऑक्टेन ड्रामा फिल्म होगी जो कि ट्रू स्टोरी पर बेस्ड होगी। फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ सादिया खातिब, जगजीत संधू दिखाई देंगे। ये फिल्म 11 जनवरी को देखने को मिलेगी। नंबर टू पे है रुस्लान। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म होगी जिसमें आयुष शर्मा, सुश्री मिश्रा लीड रोल में होंगी। ये फिल्म 12 जनवरी को आने वाली है थिएटर्स में। नंबर थ्री पे मैरी क्रिसमस। ये फिल्म एक थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ मेल लीड में दिखाई देंगे। फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्शन दिए हैं। इस फिल्म के अंदर कोई भी इंटरवल नहीं होगा। ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को देखने को मिलेगी। नंबर फोर पे है मैं अटल हूँ। ये फिल्म एक बायोग्राफिकल फिल्म होगी जिसमें कमाल के एक्टर पंकज त्रिपाठी लीड रोल में होंगे। ये बायोपिक होगी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ये फिल्म 19 जनवरी को आने वाली है थिएटर्स में। नंबर फाइव पे फाइटर। ये फिल्म 2024 की सबसे बड़ी और सबसे मच अवेटेड बॉलीवुड फिल्मों में से एक है जिसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर लीड रोल्स में दिखाई देंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट किए हैं जो कि पठान और वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी को बना चुके हैं। तो क्या ये फिल्म भी पठान और वॉर की तरह बड़ी ब्लॉकबस्टर हो पाएगी? आप सभी को लिखकर बताने कमेंट सेक्शन में। 250 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म 25 जनवरी 2024 के मौके पर रिलीज होगी। नंबर सिक्स पे है सेक्शन 108। ये फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रजीना कैसेंड्रा लीड रोल्स में होंगी। ये फिल्म 2 फरवरी को आने वाली है। नंबर सेवन पर है एक अनटाइटल फिल्म। ये फिल्म एक साइफाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें शाहिद कपूर और प्रीति सेनन लीड रोल्स में दिखाई देंगी। इनके साथ धर्मेंद्र देवल जी, डिंपल कपाड़िया भी दिखाई देंगी। फिल्म में शाहिद कपूर एक साइंटिस्ट के रोल में, वहीं कृति एक रोबोट के रोल में नजर आने वाली है। ये फिल्म 9 फरवरी को आने वाली है थिएटर्स में। नंबर एट पे है LSD 2। ये फिल्म बॉलीवुड की कल्ट मूवी LSD का सीक्वल होगी जो कि बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट रही थी। फिल्म 2010 में आई थी। LSD 2 फिल्म ऑडियंस को डिजिटल सोसाइटी के कड़वे सच और रियलिटी से रूबरू कराने वाली है। ये फिल्म 16 फरवरी को आएगी। नंबर नाइन पे है मेरे महबूब मेरे सनम। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें विकी कौशल, एमी विर्क और भाभी 2 यानी कि सुंदरी तृप्ति डिमरी मेन लीड में दिखाई देंगी। आनंद तिवारी इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं, वहीं करण जौहर इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। ये फिल्म 23 फरवरी को आने वाली है। नंबर 10 पे क्रैक जीतेगा तो जिएगा। ये फिल्म एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में गजब की स्टंट देखने को मिलेंगे ऐसा टीजर देखकर लग रहा है। फिल्म में विदु जमुआल, नौरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन दिखाई देंगी। ये फिल्म 23 फरवरी को आने वाली है। डर नहीं, डेयरिंग से खेलता हूं और दिमाग से थोड़ा। नंबर 11 पे शैतान। ये फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म होगी जो कि गुजराती सिनेमा की कमाल की मूवी वस की हिंदी रीमेक होगी जिसमें अजय देवगन, ज्योतिका, आर माधवन, जानकी दिखाई देंगी जो कि ओरिजिनल फिल्म में भी दिखाई दी थी। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को महाशिवरात्रि के खास मौके पर आने वाली है। एकदम नंबर 12 पे योद्धा। ये फिल्म बॉलीवुड की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना लीड रोल्स में दिखाई देंगी। फिल्म की स्टोरी एरोप्लेन हाईजैक पर बेस्ड होगी जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा शेरशाह जैसी कमाल की मूवी के बाद एक बार फिर से एक सोल्जर के रोल में नजर आएंगे। कई बार पोस्टपोन होने के बाद ये फिल्म फाइनली 15 मार्च को देखने को मिलेगी। नंबर 13 पे द क्रो। इस फिल्म में करीना कपूर खान, तब्बू, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ दिखाई देंगे। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म 22 मार्च को आने वाली है। नंबर 14 पे है मुंजा। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी। स्त्री रूही भेड़िया के बाद ये दिनेश सुजान की मूवी यूनिवर्स की 4th फिल्म होगी जिसमें अभय वर्मा, सरवरी वाघ, मोना सिंह दिखाई देंगी। ये फिल्म 29 मार्च को आने वाली है।
नंबर 15 पे मेट्रो इन दिनों, ये फिल्म एक एंथोलॉजी फिल्म होगी जिसमें हमको चार अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलेगी। ये फिल्म 2007 में आई फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का स्पिन ऑफ होगी। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, कोनकोना सिंह शर्मा, अली फजल, फातिमा सना शेख दिखाई देने वाली हैं। अनुराग बासु के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 29 मार्च को देखने को मिलेगी। नंबर 16 पे है बड़ी मियां छोटे मियां। ये फिल्म बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक काफ़ी बड़ी फिल्म है जिस मूवी को काफ़ी बड़ी स्केल पर बनाया गया है। इस फिल्म में हमको बाप लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। इस मूवी का बजट 300 करोड़ प्लस है जिसमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और पृथ्वीराज सुकुमारन मेन लीड में दिखाई देंगे। फिल्म को अलियाबा जफर डायरेक्ट किए हैं जो कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को बना चुके हैं। तो देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसे कलेक्शन करती है। ये फिल्म 11 अप्रैल 2024 के मौके पर आने वाली है। नंबर 17 पे है मिस्टर एंड मिसेस माई। ये फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर होंगी। 2021 की रूही के बाद ये इनकी दूसरी फिल्म होगी एक साथ। ये स्पोर्ट रोमांटिक ड्रामा फिल्म अब 19 अप्रैल को आने वाली है। नंबर 18 पे है तैरान। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, मानुष चिल्लर, नीरू बाजवा लीड रोल्स में दिखाई देंगी। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि ट्रू स्टोरी पर बेस्ड होगी। फिल्म को अरुण गोपालन डायरेक्ट किए हैं। तैरान फिल्म 26 अप्रैल को आने वाली है। नंबर 19 पे है औरों में कहां दम था। ये फिल्म 2024 की एक काफ़ी प्रॉमिसिंग फिल्म नज़र आ रही है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे हैं जो कि कई कमाल की मूवीज़ को बना चुके हैं, जिनकी ये पहली फिल्म होगी अजय देवगन के साथ। फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी जिसमें अजय देवगन, तब्बू, जिमी शेरगिल दिखाई देंगे। नीरज पांडे की ये फिल्म 26 अप्रैल को आने वाली है। नंबर 20 पे श्री। ये फिल्म एक इंस्पायरिंग मूवी होगी। ये बायोपिक होगी इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला की। फिल्म में राजकुमार राव, अलाया एफ, ज्योतिका, शरद केलकर दिखाई देने वाले हैं। तुषार हीरा नंदानी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 10 मई को आने वाली है। नंबर 21 पे है वीडी 18। ये फिल्म एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म होगी जिस मूवी का टाइटल अभी तक तय नहीं हुआ है। ये फिल्म वरुण धवन की करियर की 18वीं मूवी होने वाली है जिसमें वरुण धवन के साथ कीर्ति सुरेश, वामिका गाबी, जैकी श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में वरुण धवन एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म को साउथ के डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं फिल्म को एटली अन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी हाँ, ये फिल्म 31 मई को आने वाली है। नंबर 22 पे चंदू चैंपियन। ये फिल्म 2024 की मच अवेटेड स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसको कबीर खान जैसे कमाल के डायरेक्टर डायरेक्ट किए हैं। फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन दिखाई देंगे। ये फिल्म 14 जून को आने वाली है। नंबर 23 पे सिंघम अगेन। ये फिल्म बॉलीवुड की तरफ से आने वाली 2024 की सबसे बड़ी फिल्म है। ये मूवी सिंघम फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी होगी जिसको रोहित शेट्टी काफ़ी बड़े स्केल पर बना रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन के साथ करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ के अलावा अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ प्लस अर्जुन कपूर भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, तो आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर हो पाएगी, 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी, क्योंकि फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है प्लस इस मूवी को काफ़ी सॉलिड बजट पर बनाया जा रहा है। ये मूवी रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होगी जो कि 15 अगस्त 2024 को आने वाली है। इरादों में दम, वही है असली सिंगम। नंबर 24 पे स्त्री 2। ये फिल्म 2018 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री का सीक्वल होगी। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में हमको सर कटे का आतंक देखने को मिलेगा। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बैनर्जी, पंकज त्रिपाठी, अपर शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे। अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 30 अगस्त को आने वाली है। नंबर 25 पे जिगरा। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म होगी जिसमें आलिया भट्ट लीडिंग रोल में दिखाई देंगी। साथ में इस मूवी की को प्रोड्यूसर भी ये हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के अंदर हमको जेल ब्रेक की कहानी देखने को मिलेगी। वसन बाला के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 27 सितंबर को आने वाली है। नंबर 26 पे है स्काई फोर्स। ये फिल्म एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जो कि बेस्ड होगी ट्रू इवेंट पर। फिल्म में हमको भारत के पहले एयर स्ट्राइक की कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म में अक्षय कुमार, सारा अली खान, निमरत कौर दिखाई देने वाली हैं। स्काई फोर्स में अक्षय कुमार एयर फोर्स पायलट के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म 2 अक्टूबर को आने वाली है गांधी जयंती के मौके पर। नंबर 27 पे देवा। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े लीड रोल्स में होंगी। फिल्म में शाहिद कपूर एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिल्म को साउथ के डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म 11 अक्टूबर को आने वाली है।
नंबर 28 पे बैड एस रवि कुमार। ये फिल्म बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक ऐसी फिल्म है जिसका हर कोई वेट कर रहा है। अबे साले, फिल्म में इमेज रेशमिया और प्रभु देवा लीड रोल्स में दिखाई देंगे। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 11 अक्टूबर को आने वाली है थिएटर्स में। नंबर 29 पे है भूल भुलैया 3। ये भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म होगी। इस फिल्म में सेकंड पार्ट की तरह कार्तिक आर्यन मेन लीड में दिखाई देंगे। वहीं फिल्म को भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बज्मी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म 2024 के दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। नंबर 13 पे है छावा। ये फिल्म मच अवेटेड पीरियड ड्रामा फिल्म है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी के ऊपर आधारित होगी। फिल्म में विकी कौशल और रश्मिका मंदना लीड रोल्स में दिखाई देंगी। फिल्म को लक्ष्मण उटेकर डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म 6 दिसंबर को आने वाली है। नंबर 31 पे है वेलकम टू द जंगल। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर बिग बजट कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें अक्षय कुमार के साथ संजय दत्त, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडिस के साथ बहुत सारे एक्टर दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म को डायरेक्टर अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं फिल्म की कहानी फराज सामजी ने लिखी है, तो फिल्म से उम्मीद कम रखना है। ये फिल्म वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म होगी जो कि हमको 20 दिसंबर को देखने को मिलेगी। नंबर 32 पे सितारे जमीन पर। ये फिल्म आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसके अंदर आमिर खान एक कोच के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में हमको भरपूर कॉमेडी के साथ साथ भरपूर इमोशन ड्रामा देखने को मिलेगा। फिल्म की फीमेल लीड जेनेलिया डिसूजा होंगी। ये फिल्म दिसंबर 2024 को आने वाली है। तो चलिए अब उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जिन फिल्मों की रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ये फिल्म में 2024 में ही आने वाली है। नंबर 33 पे मैदान। इस फिल्म का ऑडियंस को पिछले काफ़ी समय से इंतजार है। ये फिल्म 2019 में अनाउंस हुई थी और ये फिल्म फाइनली हमको 2024 में देखने को मिलेगी। आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिखना एक। नंबर 34 पे वेदा। ये फिल्म 2024 में आने वाली एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें जॉन अब्राहम, तमन्ना भाटिया, सरवरी वाघ और अभिषेक बैनर्जी दिखाई देंगे। फिल्म में हमको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। निखिल अडवाणी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भी 2024 में आएगी। नंबर 35 पे है बाप। ये फिल्म भी 2024 में आने वाली है। ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती दिखाई देंगे। फिल्म को विवेक चौहान ने डायरेक्ट किए हैं। बाप 80s और 90s के लेजेंडरी हीरोज को एक साथ बड़े स्क्रीन पर लाने वाली है। कहा जा रहा है फिल्म में हमको जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। नंबर 36 पे है एक अनटाइटल फिल्म। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिस फिल्म का टाइटल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। फिल्म का टाइटल मिशन ईगल नहीं तो हीरो नंबर 1 हो सकता है। फिल्म को जगन शक्ति डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म भी 2024 में रिलीज होगी। नंबर 37 पर है लाहौर 1947। ये फिल्म एक वॉर ड्रामा फिल्म होगी जो कि बेस्ड होगी भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन पर। फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस फिल्म के अंदर इनका स्पेशल कैमियो रोल भी होने वाला है। राजकुमार संतोषी फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है जो कि सनी पाजी के साथ 3 बड़ी हिट फिल्म ऑलरेडी कर चुके हैं, घायल, दामिनी और घातक। ये फिल्म भी 2024 में आएगी। नंबर 38 पे है तेरे इक्स में। ये फिल्म एक एक्शन पैक्ड रोमांटिक फिल्म होगी जिसमें बेहतरीन एक्टर धनुष लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म को आनंद एल राय डायरेक्ट करेंगे। ये धनुष की 4th हिंदी फिल्म होगी जो कि हमको 2024 में देखने को मिलेगी। नंबर 39 पे है संकरा। ये फिल्म में अक्षय कुमार, आर माधवन के साथ अनन्या पांडे भी दिखाई देने वाली हैं। फिल्म में अक्षय कुमार एक लॉयर के रोल में दिखाई देंगे। ये बायोपिक होगी सी संकरन नायर जी की जो कि अकेले ही ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिए थे।
ये फिल्म भी 2024 में रिलीज होगी। नंबर 40 पे है किंग, ये शाहरुख खान की पहली फिल्म होगी अपनी बेटी सुहाना खान के साथ। ये फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसको डायरेक्टर सुजॉय घोष डायरेक्ट करेंगे। किंग की शूटिंग जनवरी 2024 से चालू होगी, वहीं ये फिल्म 2024 के एंड तक रिलीज होगी। तो ये 40 फिल्मों में से आप सब किस मूवी का वेट कर रहे हो, आप सभी को लिख कर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।